नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, वह है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे है वह 3 स्टेट से गुजरेगा, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 180 किलोमीटर होगी, जिसमें 6 लेन होगी और जिसे भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जाएगा। अभी दिल्ली से देहरादून का जो सफर है वह 250 किलोमीटर है, जिसे 5 से 6 घंटे लगे हैं। इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कई शहरों से बाईपास करते हुए बनाया जाएगा, जिससे एक्सप्रेसवे की दूरी घटकर 200 किलोमीटर रह जाएगी और उस डिस्टेंस को कवर करने में मात्र हमें 2.5 घंटे से 3 घंटे लगेंगे। अगर हम दिल्ली से देहरादून के वर्तमान रूट की बात तो वह कुछ इस प्रकार है: दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, देहरादून। और अगर इस प्रपोज एक्सप्रेसवे की रूट की बात करें तो वह इस प्रकार होगी: दिल्ली, डासना, सावली, सहारनपुर, गणेशपुर, देहरादून। इस प्रोजेक्ट को 3 फेसेस में बनाए जाने का प्लान है। फेज 1 में अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन को बनाया जाएगा, जिसमें 18 किलोमीटर रोड एलिवेटेड होगा और 13 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा। इसकी कॉस्ट 3300 करोड़ बताई गई है। फेज 2 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से गणेशपुर तक बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ 119 किलोमीटर होगी और जिसे बनाने में 5000 करोड़ लगेंगे। और फेज 3 में गणेशपुर से देहरादून तक बनाया जाएगा, जिसकी लेंथ 21 किलोमीटर होगी, जिसे बनाने में 6000 करोड़ का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट की बात करें तो वह 15000 करोड़ बताई गई है। इस प्रोजेक्ट की जो कम्प्लीशन डेट रखी गई है वह वर्ष 2023 रखी गई है। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि यह एक्सप्रेसवे काफी इंपॉर्टेंट होगा, टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड वासियों के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली में रहती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।